राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से रिपेयर हुआ है, मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा रही हूं। चालू है और आगे आप लोगों को बताऊंगी इसके कूलर के तारीफों के पुल बांधूंगी मैं। आप लोग गौर से सुनिएगा कि कूलर तो चालू हो गया है, 2 दिन लग गए और बस ये ना आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आवाज़ इतना कर रहा है। इसका प्लाई भी मैंने चेंज करवा दिया। मुझे लगा कि मैं इतना यानी बहुत कोशिश करी कि आवाज़ ना आए, पर आवाज़ आ रही है। आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि ना इसकी जो इसका ये जो मोटर है ना, मोटर के हिसाब से उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही। कूलर भी पुराना हो गया। मैंने ये सोचा था कि न्यू कूलर लेने से अच्छा हम इसी कूलर को रिपेयर करवा लेते हैं तो बचत हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है, मैंने पैसे लगा दिए इसमें और 2 दिन लगे और मुझे नहीं पता था कि इतना पैसा लग जाएगा। लग गया, सुधर गया, पर इसमें आवाज़ बहुत आ रही है। और मैं जैसे प्लाई है ना, इसको पुश करती हूँ तो ये जो आवाज़ रहती है वो कम हो जाती है। अभी मैंने कूलर बिल्कुल स्लो किया हुआ है तो इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। और अगर मैं तेज कर दूंगी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसी आवाज़ आती है, ठीक है? आई आवाज़ आप लोगों को? मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी इसकी आवाज़ से, इतना तेज़ आवाज़ कर रहा है। और इसको इस तरीके से ये पुश किया मैंने, बहुत मैं ताकत लगाई इसको, मैं पुश कर रही हूँ तो ये आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि इसकी जो बॉडी है ना वो सपोर्ट नहीं कर रही। इसको छोड़ूंगी जैसे ही, वैसे ही ये तेज़ आवाज़ होने लगेगा। तो ये परेशानी है इसमें। अब क्या है, आवाज़ तेज कर रहा है। वैसे तो हम लोगों को कोई बाहर का शोर भी कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। और इसको हम रात में ही ऑन करेंगे, दोपहर में। वैसे भी हमारे घर में ऐसे कोई आता जाता है नहीं है कि। तो आज वेडनेसडे है और मैं सोच रही हूँ अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि मैंने अपने बालों में ऑयलिंग नहीं किया है। चलो ऑयलिंग करते हैं, मोबाइल को लगाते हैं ट्राइपॉड में। खुशी इस बात की कि कूलर चालू हो गया, बस ये है कि थोड़ा आवाज़ कर रहा है। रात का समय है, अंदर से अच्छा तो बाहर ठंडा ठंडा लग रहा है, सच्ची बता रही हूँ। बाहर यानी कि अंदर ना गरम गरम लग रहा है, बाहर आने से थोड़ा ठंडा लग रहा है। मैं गेट खोल कर इसलिए रखी हूँ कि जितनी भी गरम एयर है ना वो निकल जाए, क्योंकि वहाँ बेडरूम में वेंटिलेशन नहीं है, इस रूम में है। और वो जो आप लोगों को बल्ब के कारण दिख नहीं रहा है वहाँ पर भी है, और किचन का भी खिड़की खोल के रखा है जिसमें कि एयर निकल जाए गरम गरम, ठंडा हो जाए वो रूम। बट पता नहीं क्या होता है, जब तक हम ऑयलिंग करते हैं देखते हैं। चलो चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पट बंद हो गए। चलो पर दीदी मोबाइल में तारक मेहता देख रही हैं, वो भी बोर हो जाती है। टीवी अभी ऑन नहीं हुआ है तो इसलिए अभी रात का 9 बज रहा है करीब, और ये तारक मेहता देख रही थी। और मैं भी उससे बोलती हूँ कि थोड़ा सा ना मोबाइल दूर ऐसे तकिए में रख लिया करो और फिर देखा करो, आँखों में प्रॉब्लम ना हो। अगर टीवी ऑन हो जाता ना तो उसमें कार्टून है या फिर सीरियल्स आते हैं भगवान जी वाले, तो वो देखती है, उसे पसंद है। पर अभी टीवी ऑन नहीं हो रहा है,
तो चलो मैं हेयर में ऑयल कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ना रूखा रूखा लग रहा था बालों में, तो मैंने बोला ऑयलिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक सा लगेगा। तो क्योंकि मेरी आदत है, मैं हेयर में ऑयल ना बहुत कम लगाती हूँ, और जब मन करता है और जब मैं लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लगा लेती हूँ, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तकिए ख़राब होने लगते हैं, इतना ज़्यादा लगा लेती हूँ। तो देख सकते हो बिल्कुल रूखे बाल रखे हुए हैं। खाद पानी देना ज़रूरी होता है, हम कंडीशनर और शैम्पू तो आराम से कर लेते हैं, बट मैं ऑयलिंग करने में बड़ा वो करती हूँ। तो चलो अब अच्छे से, यानी कि मैंने तो पूरी बॉटल ही पलटा ली थी, और ऐसे ही मैं लगाऊंगी। और उसके बाद यानी कि मेरा थोड़ा हल्का हल्का ना सर में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला उससे थोड़ा राहत भी मिलेगी सर दर्द में। और श्रेया उस रूम में गई हुई थी, वो ना गिटार का थोड़ा सा देख रही थी, बोलती है मम्मी थोड़ा सा हम गिटार देख लेते हैं, कि यानी वो थोड़ा थोड़ा ना सीखती रहती है, बहुत बोर होती है, समझ में नहीं आता, जब से स्कूल की छुट्टियां हुई है ना तो उसे समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या करें, तो कहीं गिटार हो गया, कहीं पेंटिंग हो गई, तो ये सारा कुछ करती रहती है। कभी तारक मेहता मन लगा के खूब देख लेगी, 4-5 एपिसोड देख लेती है। कभी किचन में आ जाती है तो अपने यानी कि मुझे कुछ अच्छा बनाकर खिला देती है, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर देखो अभी इसके यानी कि गिटार का फ्रेंड्स, तो अभी शाम का टाइम है और आज के ब्लॉग की यानी कि स्टार्टिंग हो गई है और चल ही रहा है, बट मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पर आज के जो आज ब्लॉग जाएगा उसके लिए अभी मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ, मैंने बोला चलो आज ही मैं बता देती हूँ। तो अभी श्रेया छत पर है और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट मैंने मंगवाया हुआ है, जो कि आप लोगों को पता है कि मैंने बर्थडे में उसको कुछ भी नहीं दिया था। तो अभी गर्मियों की छुट्टी है, मैंने बहुत सोचा, उस समय तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं उसको दूँ तो दूँ क्या, दूँ ऐसा कि उसके काम आ जाए, है ना। तो मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो वो नज़दीक समय आ चुका है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर करते हैं ना हम यहाँ पर तो कम से कम 1 वीक तो लगता ही है आने में, तो गिफ्ट आने वाला है, आप लोग को भी अच्छा लगेगा वो गिफ्ट, और आप लोग बने रहिएगा यानी कि मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग स्किप कर दो यानी कि उस दिन मिस कर दो जब आएगा। तो बस कल या परसों वो गिफ्ट आने वाला है, श्रेया भी बहुत खुश होगी वो गिफ्ट देख करके, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उसके ही जो यानी कि बर्थडे गिफ्ट में जो भी पैसे आए थे उसी पैसों से मैंने दिया हुआ है। मैंने पहले सोचा था कि जो पैसे मिले हुए हैं वो मैं यानी उसके अकाउंट में जमा कर दूं, तो आगे चलकर उसके ही काम आएंगे। मेरी एक आदत है, अगर उसके हिस्से के जो भी पैसे होते हैं, मैं तो उसकी हुई, मेरा सब कुछ उसका है, बट अगर कोई भी ऐसा कि बर्थडे में गिफ्ट आया है और पैसे, क्योंकि कोई कुछ देता कोई कुछ देता, अगर किसी ने कुछ पैसे दिए हैं तो मैं उसके लिए वो गिफ्ट मंगवाती हूँ, है ना, तो वही उसके लिए ठीक रहेगा। और जो पैसे मुझे अकाउंट में जमा करना है तो फिर मैं खुद जमा कर दूंगी बाद में कभी। तो अभी मैंने जो गिफ्ट मंगाया हुआ है, और मैंने ये बात ना सबसे छुपा कर रखी है, पर आज मैंने इसको यानी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो गिफ्ट मंगवा रही हूँ मैं श्रेया के लिए, उसके बहुत काम आएगा। और बस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि सच बताऊँ तो देखो लाइफ में परेशानियाँ तो लगी रहती हैं, दुख मुसीबत सबकी लाइफ में है, कोई बता देता है कोई छुपा लेता है, हमारी लाइफ में तो परेशानियों की कमी नहीं है, आए दिन आती ही रहती है, पर फिर भी हम आजकल बहुत बदल गए हैं। बदल गए कैसे? हम ना ज़्यादा अपनी परेशानियाँ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि आप लोग भी दुखी होते हो, है ना। और कई लोग भी ये भी बोल के चले जाते हैं कि ये जब देखो जब ना रोती रहती है। तो आज आप लोगों को एक बात बता दूं कि तो आज जो है मेरी है मैरिज एनिवर्सरी, जो कि मैं कैसे आप लोगों से बोलूं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ये लास्ट में बोल रही हूँ। टाइटल
मैं लगा दूंगी, थंबनेल भी लगा दूंगी, बता दूंगी। बट पता नहीं क्यों आज का दिन यानी कि खुशी का भी है, नई भी है, कुछ समझ में नहीं आता तो कैसे क्या बोलूं। ठीक है, मैं चाहती तो मैंने इंस्टा बस में बताया था और व्हाट्सअप स्टेटस भी लगाया है, बट ऐसे शो नहीं किया जैसे खुशी से हर विवाहित स्त्री शो करती है ना कि आज उसकी सालगिरह है शादी की, बट मैंने शो नहीं किया ऐसा। मैं बता रही हूँ कि हाँ आज मेरी शादी की सालगिरह है और बस है ना। तो जहाँ भी हैं शुक्ला जी, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी यही बोलूँगी उनसे मैं। आज के दिन हम लोग एक हुए थे, आज के दिन हमारी शादी हुई थी और ठीक है ना। शायद भगवान जब हमारी लाइफ स्टोरी लिख रहा था ना तो अधूरी पेन की इंक ख़त्म हो गई होगी, इसलिए अधूरी कहानी लिखी। तो आज का दिन ठीक है, जो भी है आज के दिन मैं शूट तो की हूँ, बट आप लोगों को कल मिलेगा वो ब्लॉग, आज नहीं। तो अभी मैं, आज 21 तारीख है ना, 21 अप्रैल, तो आज के दिन ही मेरी शादी की सालगिरह है। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही हूँ। तो ठीक है, जो भी है, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।